पाकिस्तान में चुनावी परिणामों पर सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। शनिवार को सेना प्रमुख असीम मुनीर ने देश की जनता को सफल चुनावों के लिए बधाई दी है। आम चुनावों का सही तरीके से समापन होने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। असीम मुनीर ने इसके साथ ही कहा है कि मेरी कामना है कि देश को इस चुनाव से अराजकता और खराब राजनीति से छुटकारा मिलेगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए स्थिर सरकार मिलेगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आगे कहा कि सभी लोकतांत्रिक ताकतों को संभालने वाली सरकार राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करेगी। यही उम्मीद करता हूं और इसी के साथ कामना भी करता हूं कि ये चुनाव राजनीतिक, आर्थिक स्थिरता, शांति और समृद्धि लाएंगे। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों को साथ आने को कहा है और पाकिस्तान की जनता से कई वादे भी किए हैं, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। इंशाल्लाह रोशनियां फिर लौटेंगे, इंशाल्लाह बदअमनी का खात्मा होगा, इंशाल्लाह बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा, इंशाल्लाह कौम की हालत बदलेगी, इंशाल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी, इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान चुनावों पर कई सवालिया निशान भी लगे हैं। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर कई नेताओं ने नतीजों में धांधली के आरोप लगाए हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त की है और उसमें धांधली की बातों की जांच की मांग की है। गुरुवार को हुए मतदान में धांधली के आरोपों की एक रिपोर्ट को लेकर दोनों देशों ने जांच का आग्रह किया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी और जेल में बंद इमरान खान दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया है।